अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए कितनी अच्छी तरह इसमें फ्लावरिंग हो रही है। एक जोरा है रेड वाला, मेरे पास वाइट भी है, पिंक भी है, ये रेड वाला है। देखिए कितनी अच्छी तरह से इसमें फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए ये आसानी से लगने वाला प्लांट है। ये देखिए ऐसे गुच्छे में फ्लावर्स आते हैं, कई कलर्स के होते हैं, ऑरेंज होते हैं, वाइट, पिंक, मेरे पास तो दो तीन हैं। और ये देखिए जहाँ मीठेपन होता है वहाँ तो ये तो होना ही है। देख रहे हैं आप किस तरह इसमें अटैक हुआ है इंसेक्ट्स का। मुझे स्प्रे करना पड़ेगा, बल्कि कट करके मैं निकाल ही दूँगी ये, और मैं इसमें ज़्यादा वो नहीं हो रहा। देखिए फ्लावर्स भी एकदम नहीं आ रहे क्योंकि इसको खाद की। तो ये देखिए मैंने गोबर खाद इसमें डाल दी है। और ये देखिए ये मेरा येलो वाला है, जो मैं ग्रो बैग्स आते हैं ना नर्सरी से, वो फेंकती नहीं, उसी में मैंने लगाया है। साइड में है देखिए रखा हुआ, इसी पॉट पर ये रखा हुआ है। कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है देखिए माशाल्लाह से इसमें। तो मैं कट कर दूँगी ये क्योंकि ख़राब हो चुके हैं, ज़्यादा फ्लावर्स खुल भी नहीं रहे हैं। देखिए और मैं हल्दी का पानी स्प्रे करूँगी इस पर। देख सकते हैं आप ये कैसे इसका क्लीन करना पड़ता है, क्लीन करते रहना पड़ता है हर चीज़ को। गार्डनिंग करना आसान तो नहीं है, लेकिन मज़ा आता है जब आप करते हैं तो खुश हो जाते हैं। ये था जी आज का वीडियो। देखिए मैंने गोबर खाद इसमें डाल दिया, अब स्प्रे की बारी है, अब स्प्रे कर दूँगी मैं इसको। ये पानी में भी लग जाने वाला प्लांट है और ज़मीन में भी है, और ये देखिए इन पर हमला भी बहुत होते रहता है। सब चीज़ों को नीट क्लीन करना पड़ता है, तभी इसमें ज़रा ग्रोथ इन पर डेवलप बनाएगा। और ये लीव से भी लगने वाला प्लांट है, अगर आप रेती में इसके लीव्स रख देते हैं तो ये आसानी से रूट्स आ जाते हैं उसमें, और ये लग जाता है। क्योंकि बड़ा खूबसूरत लगता है ये प्लांट, मुझे बहुत पसंद है। ये था जी आज के वीडियो में। अगर वीडियोस पसंद आए तो बोलिए। आज बहुत सा काम मैंने किया है अपने गार्डन में। देखे मैंने सब में आज खाद डाली हूँ, एलोवेरा कितना अच्छा हो रहा है देखिए। ये देखिए ये मैंने नर्सरी से न्यू लिया है प्लांट, इसको मैंने रिपोर्ट किया है, तो ये डल हो गया। देखेंगे फ्रेश हो जाएगा ये शाम तक। तो चलिए जी इतना ही था आज के वीडियो में। अल्लाह।